हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एनिमेशन तो आप देख ही चुके हो, तो पहले तो मैं बिना वक्त को जाया किए वीडियो शुरू कर देता था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। बेसिकली पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि आप कोई सपोर्ट बटन ऐड करो ताकि हम में से कोई भी आपको सपोर्ट करना चाहे तो वो अपनी मर्जी से कर सके। तो वो बटन मैंने बेसिकली ऐड कर दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्योंकि इस चैनल की अर्निंग मुझे अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिली। अच्छा, अब बिना वक्त को जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्लिप मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ टाइमलाइन पे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ड्यूरेशन आपने पहले से सेट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं ये 8 सेकंड की वीडियो क्लिप बनाने लगा हूँ, तो मैं यहाँ 8 सेकंड पर एक मार्क लगा लूंगा ताकि सारे जो क्लिप्स हैं उनको इतना ही रखूँ, ठीक है। तो ये अगला जो क्लिप है एक्स्ट्रा, उसको मैं यहाँ पीछे ड्रैग करके छोटा कर लेता हूँ। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने ये करना है कि जो भी क्लिप आपने टाइम लाइन पे यहाँ पर एड करना है उसको आपने यहाँ राइट क्लिक करके फ्री ऑन क्लिप जरूर बनाना है, ठीक है। ये आपने लाजमी काम करना है। इससे होगा क्या कि जो सारे क्लिप्स हम ऐड करेंगे उनके एट्रीब्यूट्स वगैरह जो हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूसरा क्लिप यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इसका ड्यूरेशन भी हमने इतना ही रखना है, इसको भी मैं फ्री ऑन क्लिप बना देता हूँ। और इसी तरह से आपने सारे क्लिप्स को ऐड करते जाना है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन अभी आप देखें 8 सेकंड से कम है, तो मैं क्या करूंगा इस पे कंट्रोल आर दबाऊंगा तो ये इसका जो स्पीड चेंज वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करके थोड़ा लंबा कर लूंगा, यानी इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं दोबारा कंट्रोल आर दबाकर इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह आपने सारे क्लिप्स को ऐड करते जाना है। तो ये 6 क्लिप मैंने ऐड कर दिए हैं और इन सबको मैंने फ्यूजन क्लिप बना दिया। अब हमने क्या करना है कि इन सारों को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और इन पे राइट क्लिक करना है और इन सबको एक ही फ्यूजन क्लिप में तब्दील कर देना है, ठीक है। यानी कि इन सारे क्लिप्स को हमने इकट्ठा कर देना है। उसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और सीधा चला जाऊंगा फ्यूजन पेज। यहाँ आने के बाद आप देखोगे कि जो सारे क्लिप्स हैं वो एक सीक्वेंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इनके सामने ये जो मर्ज है इनको डिलीट कर दूंगा और ये जो बैकग्राउंड है इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये एक 3D एनिमेशन होने वाली है, तो मैं इन सारे नोड्स के सामने इमेज प्लेनर 3D को ऐड करूंगा। तो मैं सबसे पहले इसके सामने ऐड करूंगा और इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा। इसके बाद मैं इस इमेज प्लेनर को ऐसे कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कर लूंगा और इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट करता जाऊंगा बाकियों के आगे भी, और इन सबको तरतीब के साथ ऐसे जोड़ दूंगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक मर्ज 3D वाला आपको नोड मिल जाएगा, उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन सारे नोड्स को आपने इस तरह से मर्ज 3D के साथ कनेक्ट कर देना है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक लाजमी कर दें। अब हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ से पहले तो मैं सिंगल व्यू को ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये मर्ज 3D को ऐसे पकड़ के यहाँ पर छोड़ूंगा तो हमें ये 3D व्यू नजर आने लग जाएगा। तो ये हमारे पास अभी अब देखो एक ही क्लिप नजर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो सारे क्लिप है इनकी पोजिशन वगैरह सेम है। वो पोजिशन हमने चेंज करने के लिए क्या करना है कि इन सारे इमेज प्लेनर 3D के सामने ट्रांसफॉर्म 3D नोड को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इस इमेज प्लेनर को सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा और यहाँ सर्च करूंगा ट्रांसफॉर्म 3D नोड, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये जो पॉइंट अभी मैं बताने लगा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसका जो पिवट पॉइंट है इसको यहाँ से ऑन कर लेना है और इसकी जो Z वैल्यू है इसको आपने -1 कर देना है। तो ये आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। और इसी ट्रांसफॉर्म नोड को कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कर लेना है आपने और इन सारे इमेज प्लेनर्स के आगे आपने इसको ऐसे पेस्ट करते जाना है उसी सेम ट्रांसफॉर्म 3D नोड। अब हमने क्या करना है कि इन सब की पोजीशन चेंज करनी, यानी इन सबको एक सर्कल में ले आना है। और आप सब जानते हो कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। यहाँ कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया है क्योंकि इसकी थोड़ी सी हमें जरूरत पड़ेगी। ये तो आप सबको पता ही होगा कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमारे पास जो कि 6 क्लिप है, तो इसीलिए हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 6 के साथ। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वही बेसिकली हमारी वैल्यू है जो कि हमने इन ट्रांसफॉर्म 3D नोड्स के अंदर ऐड करनी है। यानी हर ट्रांसफॉर्म 3D नोड के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर पहले ट्रांसफॉर्म की जो रोटेशन की Y वैल्यू है उसको मैं 0 ही रहने दूंगा, जो दूसरा ट्रांसफॉर्म नोड है उसकी रोटेशन की Y वैल्यू को मैं 60 कर दूंगा। अब इससे अगला जो ट्रांसफॉर्म 3D होगा उसकी मैं 120 कर दूंगा, यानी 60 के अंदर 60 को ऐड कर दूंगा। इसी तरह इस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 180, इसकी हो जाएगी 240 और इस आखिरी वाले की हो जाएगी
300 और एक तो वहां पहले से ही मौजूद है तो उसकी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारे पास ये सर्कल बन गया है, ठीक है, एक परफेक्ट सर्कल। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो क्लिप्स हैं इनके थोड़े ये एजेस वगैरह जो हैं वो थोड़े से ना राउंड हो जाएं। वो कैसे करने हैं, यहाँ पर ये रेक्टेंगल स्ट्रोक आपको मिल जाएगा, इसको मैं यहाँ पर ले आऊंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा मीडिया वन के साथ। अभी मैं इसको यहाँ पर देखने के लिए क्या करूँगा, मीडिया वन का ये जो लेफ्ट व्यू है इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नजर आने लग गया है। तो मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसकी साइज को ऐसे बढ़ा दूंगा और यहाँ पर कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि ये ऐसे राउंड हो जाए। तो ये हमारे पास ऐसे बन गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसी रेक्टेंगल को कॉपी करके बाकी सारे क्लिप्स के साथ ऐसे अटैच कर देना है। ये इतना सिंपल है, बस एक चीज बना देनी होती है, बाकी सबको कॉपी कर लेना है। अब मैं वापस इस मर्ज 3D को यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। अभी आप देखो हमारे जो क्लिप्स हैं उनके जो एजेस हैं वो राउंड हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लिप हमारे पास वाइट शो हो रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये जो इमेज प्लेनर है ये गलती से डिसकनेक्ट हो गया था, तो मैं इसको दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लिप आ चुकी है। अब बारी आती है इसको एनिमेट करने की। अगर मैं मर्ज 3D को सिलेक्ट करके यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और इसकी रोटेशन को चेंज करता हूँ तो देखें ये सही से रोटेट नहीं हो रहा, यानी ये इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है क्योंकि इसका पिवट पॉइंट जो है वो ये है। तो यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जिस तरह से आपने इन सारे ट्रांसफॉर्म नोड्स के पिवट पॉइंट को -1 किया था उसी तरह आपने मर्ज 3D के यहाँ पर पिवट पॉइंट को भी -1 कर देना है। ठीक है, ये आपने बात लाजमी याद रखनी है। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये प्रॉपरली रोटेट होगा। ठीक है, अब हम इसको एनिमेट कर लेते हैं। यहाँ मैं पहले फ्रेम पर आ जाता हूँ और मर्ज 3D की इन तीनों वैल्यूज पर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट फ्रेम पर आ जाता हूँ और इन तीनों वैल्यूज पर की फ्रेम लगा देता हूँ। याद रहे कि एनिमेशन जो है वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक देनी है, जैसा भी आप देना चाहो, इसमें आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ सप्लाइन में चला जाऊंगा और इस मर्ज 3D को सिलेक्ट करूंगा और इन सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करके F दबाऊंगा और उसके बाद T दबाऊंगा और ईज इन की जो वैल्यू है उसको बढ़ाकर लगभग 90 तक कर दूंगा। उसके बाद सप्लाइन को ऑफ कर दूंगा। अब हमने इस एनिमेशन को फाइनल करने के लिए मर्ज 3D के सामने रेंडर 3D को ऐड कर देना है और इस मीडिया आउट को इसके साथ कनेक्ट कर देना है और मर्ज 3D को रेंडर 3D के साथ कनेक्ट कर देना है। अब मैं यहाँ पर मीडिया आउट का लेफ्ट व्यू जैसे ही ऑन करूंगा, अभी आप देखो हमारे पास जो क्लिप्स हैं वो बहुत ही बड़े नजर आ रहे हैं, बेसिकली एक ही क्लिप नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मर्ज 3D की जूम वैल्यू हमने चेंज करनी है। तो यहाँ मैं मर्ज 3D को सिलेक्ट करूंगा और इसकी ये जो जूम वैल्यू है इसको ऐसे कम कर दूंगा। तो अभी आप देखो हमारे पास सारे क्लिप्स जो है वो नजर आने लग गए। तो इसको भी मैं एनिमेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। पहले तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसकी जूम वैल्यू को चेंज करके इतना रख लेता हूँ ऐसे, और उसके बाद मैं यहाँ कुछ फ्रेम्स आगे आ जाता हूँ लगभग 65 तक, और इसकी जूम वैल्यू को पीछे ऐसे कर देता हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ पर स्मूथ कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो ऐड कर दूंगा ताकि ये मजीद प्यारा लगे। तो यहाँ सॉफ्ट ग्लो को ऐड कर देता हूँ, थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, गेन को थोड़ा कम कर देता हूँ, ग्लो साइज भी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं वापस एडिट टैब पर आता हूँ, इसको मैं पकड़ के ऊपर कर लेता हूँ। नीचे हमने एक बैकग्राउंड ऐड करना है, तो वो बैकग्राउंड पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये बैकग्राउंड के लिए मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इस तरह से। इसको भी कट कर देता हूँ, इसका ड्यूरेशन भी उतना ही रख लूंगा। ठीक है, इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं ब्लर कर लेता हूँ, तो यहाँ ओपन एफेक्ट्स में आकर मैं गशियन ब्लर को ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ इस एनिमेशन को प्ले करूंगा तो ये प्ले होने में काफी लैग होगा क्योंकि काफी हैवी एनिमेशन है। तो यहाँ मैं सिंपल प्लेबैक में आकर इसके रेजोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए हाफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एनिमेशन को बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।